नमो अर्हंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्यारम नमो ध्यायारम नमो लोए सब साऊरम शुद्धात्मानमनेकान्तं साजमुत्तं मंगलं वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गली मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलं ये हया जाने कही कम कलंक दही उनिरंजन राण मृत्यु परम पूर्णमेव नमः समय साराय स्वानुभूत्याय च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदि। पुण्य पाप के संबंध में एक बात और समझ लेना चाहिए। एक तो होता है पुण्य का उदय और पाप का उदय, और एक होता है पुण्य पाप का परिणाम। तो पुण्य के पाप के उदय को तो जीव ही जानता है, पाप के परिणाम को ही नहीं जानता। और कैसी बेईमानी करता है, पुण्य के परिणाम को पुण्य की क्रियाओं को तो हे करके छोड़ता है और पुण्य के उदय को समझ में आया। पुण्य के परिणाम को तो पूजा पूजा पाठ दर्शन ये सब हे इनमें क्या है, उनको तो हे जान करके ऐसे कर देता है। और पुण्य के उदय की सामग्री धन वैभव पद प्रतिष्ठा भोग संयोग वाह अरे ये तो अच्छे ये तो बहुत बढ़िया ये तो बहुत बढ़िया। अरे रे प्रभु, जब हे की चर्चा है तो पाप के परिणाम को भी हे समझना चाहिए। पाप के उदय को हे तो अब क्या करें, वो तो समझते ही लोग भैया बड़े पाप का उदय क्या करें, कोई भोगना नहीं चाहता, मजबूरी में भोगता है पाप के उदय। लेकिन पाप के परिणाम को ही नहीं जानता। पाप का परिणाम ही है, और ही नहीं प्रवचन सार जी में कहा अत्यंत ही हम। पाप का उदय बाधक नहीं है आत्मा आराधना में, लेकिन पाप का परिणाम महाबाधक। अब पाप के परिणाम की जब चर्चा चले तो क्या क्या समझना चाहिए बोलो। सबसे बड़ा पाप है ग्रहित मिथ्यात्वा, जो टोटोमल जी ने सप्तदशन से भी बड़ा पाप ग्रहित मिथ्यात को कहा, तो वहां ग्रहित मिथ्यात समझ लेना चाहिए। उसके हेतु में प्रवचन सार जी में एक चर्चा कही है, जब विषय कषाय पाप हैं दुख के कारण हैं, तो विषय कषाय का पोषण करने वक्त जहां पोषण होता है विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, तब फिर वे कैसे उपाधि हो सकती है, विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं। तो पंडित टूटामल जी ने कहा जिनको सम्यक्त की अभिलाषा है उन्हें बाधक कारणों को पहले दूर कर लेना चाहिए, विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में सहायक कौन है, कौन सहायक होगा हमारा, कभी तरागी देव सास गुरु, तो इन वीतरागी देव सात गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा ये सम्यक दर्शन का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। जैसे बोलो उस दिन की लाइन बोलो, जैसे सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, ऐसे ही देव सात गुरु की श्रद्धा भक्ति सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। और नहीं तो किसके बताए तत्व का श्रद्धान करेगा, कैसा श्रद्धान करेगा, क्या करेगा, भेद ज्ञान काय का करेगा। अच्छा, पाप का उदय बाधक नहीं है, क्यों नहीं है, कि पाप के उदय से अनेक संयोग सामग्री मिलती है, उपसर्ग होते हैं, महामंडाजों के भी होते हैं, तो कोई बाधा नहीं। लेकिन पाप का परिणाम बाधक है, ध्यान रखना, पाप का परिणाम तो आपको यहां तक नहीं आने देगा। अब वो तो प्रासंगिक चर्चा है, कई लोगों को वैतरिक बाधा हो जाती, उनसे कहे मंदिर क्यों भीतर नहीं जा रहे, भीतर नहीं जा रहे, मतलब तीव्र कषाय में भीतर नहीं जा सकते, बाधा कारण हो गया। तो ग्रहित मिथ्यात सबसे बड़ा पाप महापाप। पंडित जी ने एक चर्चा और की है पाप और महापाप, तो मिथ्यात अन्याय और कुशील ये महापाप है, मिथ्यात अन्याय और कुशील ये महापाप है। मिथ्यात की चर्चा तो सम्यक जैन दर्शन में ही है, लेकिन कुशील और अन्याय को तो दुनिया के सब लोग पाप कहेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो उसको ये कहेगा कि ये ठीक है,
आज भी लोगों को आक्रोश है उसके प्रति, कुशील के प्रति। अब वो पाश्चात्य संस्कृति की एक उल्टी व्यवस्था हो गई तो वो धीरे धीरे ग्लानी मिट गई, वो अलग बात है। बाद की कुशील को महापाप, अन्याय को महापाप कहते। और जैन दर्शन में ग्रहित मिथ्यात को महापाप, ग्रहित मिथ्यात के बाद दूसरा नंबर आता है अग्रहित मिथ्यात को, पापों में क्रम से छोड़ने की बात है। ग्रहित मिथ्यात के छूटे बिना अग्रहित मिथ्यात उसी प्रकार से नहीं छूटेगा जिस प्रकार ये अपन ये प्लास्टर है ना, इस प्लास्टर को नहीं हटा, ये पत्थर नहीं हटा और दीवार तोड़ो कैसे तोड़ेगा। पहले ऊपर की ये छट है तब वो दीवार टूट पाएगी। ऐसे ग्रहित मिथ्यात का अभाव होगा तब अग्रहित मिथ्यात छूट पाएगा, क्योंकि यहां दरवाजा सही मिलेगा, उपदेश मिलेगा। जैसे लौकिक में किसी बीमार को इलाज कराने के लिए ले जाए, वो कदाचित किसी नीम हकीम के पास पहुंच जाए या लालची स्वार्थी वैद्य के पास पहुंच जाए, बस समय ले गए काम। अब भाई तुम सोचोगे जो इलाज है और वे सोचेंगे कि जे आ गया चुंगल में फंसा, चलो इसको। इसलिए दिखाने से पहले, इलाज कराने से पहले आपस में चर्चा करते, कहो भैया कौन को दिखा, क्या करने, उनके पास जाओ, तुम बता भैया हमें तो कुछ पता नहीं कि दिल्ली में को डॉक्टर है कहाँ है, आप बता कौन को दिखाने। अगर अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ये समझ लेना कि बर्बादी भी कम होगी, खतरा भी नहीं होगा, इलाज भी सही हो जाएगा। ऐसे महाभाग्य से देवशास्त्र गुरु के पास आ गए, बस समझ लो अब आपका निस्तार हो गया। अब कर्म योग सुघाट आयो पार हो दिन जात है, ज्ञान धर्म की नाव बैठो शिवपुरी कुशलात है। और देखो आचार्य भगवंतों ने थोड़ा सा मनोविज्ञान भी लिया है, और मनोविज्ञान कोई निरर्थक नहीं है, निराधार नहीं है, कर्णन योग के हिसाब से है। भगवंतों की भक्ति में पुण्यबंध भी होता है, इसलिए बाह्य विघ्न बाधाएं भी नहीं दूर होती है। मोक्ष भुक्ति मुक्ति दाता, मुक्ति तो यहाँ है ही, मुक्ति का मार्ग तो यहाँ मिलेगा ही, लेकिन भोगों की सामग्री भी आपको यहीं मिलेगी। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं तो तुम्हें ही मिलेंगे। नहीं चाहने पर भी मिलते हैं। किस प्रकार दृष्टांत बोलो, जैसे खेती में भूसा नहीं चाहने पर भी भूसा होता ही है, गेहूं के साथ गेहूं का भूसा है, चने के साथ चने की भूसी है, अरहर के साथ अरहर की भूसी। अब तुम सोचो कि गेहूं का भूसा और अरहर के साथ में हो जाए, ऐसे नहीं। मतलब सम्यक्त के साथ होने वाला पुण्य भी अलग प्रकार का है, उत्कृष्ट पुण्य है। मिथ्यात के रहते हुए धर्म तो होता ही नहीं है, पुण्य भी उत्कृष्ट नहीं होता। इसलिए ऊंचे ऊंचे देव पद आदि, चक्रवर्ती आदि पद, ये सब सम्यक दृष्टि जीवों को बनते हैं। तीन शंकर प्रति सबसे प्रकृति सबसे उत्कृष्ट पुण्य है, सम्यक दृष्टि कोई बनेगी। उसके बाद का फिर क्रम है सप्त व्यसन, पापों में ग्रहित मिथ्यात, फिर अग्रहित मिथ्यात, फिर सप्त व्यसन आदि, फिर विषय कषायों की तीव्रता आसक्ति, विषय कषायों की तीव्रता, मोह की तीव्रता, क्रोध मान माया लोभादिक में किसी भी एक कषाय की तीव्रता। और ये तो बात हम कहते हैं, एक कषाय भी अगर तीव्र हो जाए अभी तो यहां बैठे नहीं रह पाएंगे, अपन उठा देंगे, चलो इतने ऐसे कह दी हटो यहां से। अरे कह नहीं होगी, कौन ने कहा, कही तो नहीं कहा कुछ भी तो ये, और अपने उदय का खत्म हो गई बात। अगर अरे यहां तो बहुत गर्मी है, चलो ठंड बहुत है, रेंदे चलो,
एक भी विषय की तीव्रता हो जाए, एक भी कषाय की तीव्रता हो जाए तो देवशास्त्र गुरु से भी दूर हो जाता है। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आने पर कषायों की मंदता होती है। फिर ऐसा प्रमादचर्या, प्रमाद तीव्र कषाय, ये महापाप है। टोटरमल जी ने क्या कहा, पाप ही नहीं महापाप काप का कारण है। कोई लाइन बोलो आठवें अधिकार में, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। तो भाई आराम से परे हैं, अरे पाप कर रहा है पूजा कर जल्दी जा करके, परे हैं, ठंड बहुत है ना, ताप रहे हैं, क्या करता है जल्दी कर, खाली आदमियों को ठंड लगती है, काम में लग जा, ठंड फंड खाएगी ठंड। प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। तो ये पाप को अत्यंत ही कहा। और देखो एक और चर्चा की, आलस छुड़ाया सबसे पहले मिथ्या छोड़ने के लिए। आप क्या समझ रहे हो, मिथ्या छोड़ने के लिए आलस छुड़ाने की बात है। प्रमाद छूटेगा सप्तम गुणस्थान में वो अलग बात है, वो सूक्ष्म कथन है। जैसे भय आठवें गुणस्थान में छूटेगा वो अलग कथन है। लेकिन प्रमाद आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, तब तुम्हारा मिथ्यात्म मिटेगा। अगर तुम आलस्य नहीं छोड़ोगे धर्म कार्य में, तुम्हें पूजा में, स्वाध्याय में, दान में, भक्ति में उल्लास नहीं आएगा तो तुम्हारा मिथ्यात्म नहीं मिट पाएगा। क्योंकि मिथ्यात्म के लिए, मिथ्यात्म के नाश के लिए, मिथ्यात्म तो है ही, मिथ्यात्म के नाश के लिए देवशास्त्र गुरु की पहचान भी चाहिए। और आगे बोलो, उनके प्रति तन मन धन कषाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण भी चाहिए। उसके प्रति तन मन धन कषाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण भी चाहिए। भक्ति भक्ति करते हो, नवदा भक्ति होती है, मुंडा की वो नवदा भक्ति वो अलग है, प्रतिगाहन, हाँ प्रतिगाहन गहन आप ग्रंथ में बोल देते हैं, प्रतिग्रहण हिंदी में, वो चासन पूजा पाद प्रक्षालन पूजा अर्घ्य, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि ऐसे कर लेना, तो वो नवदा भक्ति अलग है। और ये नवदा भक्ति तुम्हारी इसमें समय सार नाटक में सामान्य रूप से नवदा भक्ति कही, उनके गुणों का चिंतमन बंधन स्तवन आया है? आया ना, नंदन वंदन शुद्धकरण है। तो ये इस प्रकार का मतलब ये है कि भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि अपने टाइम टेबल से अपना काम कर लिया सो टाइम भक्ति हो गई, रूढ़ी की क्रिया नहीं है भक्ति, एक आयोजन रूढ़ी की क्रिया नहीं है भक्ति, हृदय में वर्तने वाला निरंतर का परिणाम है। कहीं भी हो भक्ति उसके हृदय में बढ़ती है। देवशास्त्र सम्यक दृष्टि को भगवंतों के प्रति कहीं भी हो कुछ भी कर रहा हो भगवंतों के प्रति भक्ति बरत रही। जब वो मंदिर में भक्ति करेगा वो अलग बात है, जैसे व्यापारी दुकान पर बैठ करके व्यापार करे वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो रोटी खा रहा है और कोई की बात ख्याल आ गई, हेलो भैया वो गुजारा वंदना के लिए और एक ढेर कई कावा लौट के आएंगे ये रख देना, माने उसका व्यापार हर समय भी चल रहा है और दुकान पर बैठे हुए विशेष रूप से चल रहा है। ऐसे धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी ज्ञानी जीव की धर्म परिणति चल रही है और धार्मिक क्रियाएं नहीं करते हुए भी वेद ज्ञान चल रहा है और शुद्ध परिणति चल रही है। तो पाप का परिणाम माने अत्यंत ही है, तो पाप के परिणाम का ही अर्थ लेना चाहिए। और पाप के उदय से डरो मत, डरने की जरूरत नहीं पाप के उदय से, क्यों भाई पूर्व में कर्म बने हैं तो अब कर्म उदय में आ रहे हैं, अब क्या करें, तो उनकी निर्जरा करो। हमने क्या किससे कहा था, हाँ तुमसे कहा था भैया क्या करें, तो
पाप का परिणाम हो गया और ऐसा हो। अरे तो निर्जरा करो ना सब करके, निर्जरा करने की भी शक्ति है तुम्हारे अंदर में। छह खंड का वैभव इकट्ठा करने की शक्ति भी है तो क्या अंतर्मुर्त में छोड़ने की भी शक्ति है। कैसी बात है करनी, और इकट्ठा तो हजारों वर्षों में हुआ है और छोड़ा तो ऐसे छोड़ा और ऐसे देखा नहीं उधर। ज्ञानियों की दशा आपने पढ़ी है, ज्ञानी घर गृहस्थी में भी रहते हैं तो कमल नाल से बंधे हुए हाथी के समान हैं। कमल नाल तो जानते, कमल के भीतर जो हल्का सा धागा होता है उसको कमल नाल बोलते हैं। अब कमल नाल को गांठ बांध बांध करके एक रस्सी ही बनाई और हाथी को बांध दिया। अब बना है, अरे कहा बांधो, पांव उठाए वो टूट गए। तुम सोचते ही रहोगे और बे ऐसे छोड़ के चल देंगे। कोई दृष्टांत बता पुराण का। एक दिन, हाँ बजबाऊ का तो है, एक दिन धन्य कुमार की जो स्त्री रानी थी वो उदास थी। सुभद्रा, क्यों भाई? कि मेरा भाई अब वो बैराग का अभ्यास कर रहा है, दीक्षा लेकर के आएगा। बोले अभ्यास कर रहा है, दीक्षा लेकर के आएगा? क्या अभ्यास कर रहा है? दीक्षा लेने के लिए कोई सोच समझ ज्यादा जरूरत थी? अभ्यास की बात है, हो कहना सरल है। तो वो गया, हम जा रहे उसके पास। गए, क्यों भैया अभ्यास कर रहे हो? कितने दिन में अभ्यास करोगे, क्या करोगे? नहीं बैराग होता तो क्या अभ्यास करने बता, और तुम्हें हुआ हो नहीं हुआ हो हम तो जी चले। सुकुमार ने क्या अभ्यास किया था? सुकौशल ने क्या अभ्यास किया था बताओ? बज्रबाहु ने क्या अभ्यास किया था? ससुराल से जा रहा था स्त्री के साथ और वहीं दीक्षा लेकर के चले गए। अरे उत्तम पुरुषों के पुरुषार्थ भी उत्तम है, क्योंकि ये रुचि का काम है, ये रुचि का कार्य है। इसलिए कहा तत्व का निर्णय और श्रद्धान ही कठिन है, आचरण कठिन नहीं है। क्यों? वह रुचि का कार्य। सम्यक दृष्टियों का सांसारिक कार्य करना उन्हें बोझा लगता है, धर्म कार्य बोझा नहीं लगता। धर्म कार्य में तो उल्लास होता है। तो ये पाप को अत्यंत ही समझने का कारण, कहने का कारण क्या है? गाथा में थी बोलना प्रवचन सार जी की, कि उस पाप के उदय से जीव नरकादिक में जाता है तब धर्म के निमित्तों से भी दूर हो जाता है। अच्छा, तीव्र पाप वाले जीवों की संगति खराब होती है, इसलिए वे देव सास गुरु से दूर होते हैं। इसलिए उन जीवों को धर्म का अवसर भी नहीं है। धर्म तो है ही नहीं, धर्म का अवसर भी नहीं है। अब रहा पुण्य, तो पुण्य के परिणामों में पात्रता होती है। पुण्य के परिणाम माने मंद कथा रूप परिणाम, मोह आदि की मंदता, कथायों की मंदता, विषयों के प्रति मंदता। अब मंदता वाले जीव धर्म मार्ग में लग सकते हैं यदि यथार्थ उपदेश मिल जाए तो। दृष्टांत बोलो, जैसे कठोर भूमि हो, जली भूमि हो, उसमें तो भैया बीज का बोगे, क्या करोगे? लेकिन अच्छी नर्म भूमि हो तो उसमें बीज बोया जा सकता है, उसका अंकुरा आ सकता है। क्रोध से जली हुई, मान से कठोर हुई, माया की ककरीली गड्ढे वाली वैसी भूमि है, और लोभ का दलदल, उसमें क्या बोगे? क्या बोगे? कैसे बोगे बताओ? क्या क्या वो बीज सड़ जाएगा उसमें दलदल में? ऐसे लोभी के हृदय में क्या होगा? विषयों का लोभी। उपदेश उसको पास हृदयंगम नहीं होता, तो कसायों की मनता में ये जीव समझ सकता है। इसलिए पुण्य को कथनचित उपादेय भी कहा, व्यवहार नए की बात। पुण्य को कथनचित उपादेय भी कहा, पाप से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, और जब हे कहा तो ऊपर चढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, पुण्य का निषेध उससे ऊपर धर्म कर सकता है,
पुण्य का निषेध पाप के द्वारा नहीं किया जा सकता। लौकिक में भी कोई बात क्लर्क ने कर दी तो अधिकारी उसका निषेध कर देगा, सिविल कोर्ट से अगर उसका फैसला है तो हाई कोर्ट निषेध कर देगा, हाई कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट निषेध कर देगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिविल कोर्ट निषेध कर सकता है, अधिकारी के कथन का निषेध क्लियर कर पाएगा, कैसे कर देगा। तो पाप की क्रियाओं के द्वारा पुण्य क्रियाओं का निषेध करोगे तो क्या होगा, पाप के परिणाम से पुण्य परिणाम का निषेध करने जाओगे तो आपका पतन होगा, सजा के पात्र होगे, तीव्र बंद होगा आपको, ठंड में कपड़ा बदले अपन तो परे हैं, पाप होगा महापाप होगा, पूजा का अवसर नहीं मिलेगा, स्वाध्याय का अवसर नहीं मिलेगा, अब अपन नहीं कर रहे अपन को नहीं देने तो धन का अवसर नहीं मिलेगा। तपश्चरण नहीं करोगे तो तपश्चरण का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बहुत पुण्य के उदय से और बहुत विशुद्ध परिणामों से धर्म कार्यों का अवसर मिलता है, अवसर मिलता है। एक लाइन कहीं पढ़ी है अवसर किया, बोलो, बाह्य त्याग से अवसर मिलता है, अंतरंग त्याग से शांति मिलती है। जिनको बाह्य त्याग भी नहीं है तो अवसर ही नहीं है, और अंतरंग का त्याग नहीं है तो फिर शांतता नहीं है। बाह्य त्याग करके भी आपके चित्त में जब तक अंतरंग का त्याग माने मोह राग द्वेष का त्याग नहीं है तब तक शांतता नहीं होती। तो पाप में और पुण्य में दो भेद कर लेना, एक पाप उदय और एक पाप परिणाम, इसी को कर्णानुयोग की भाषा में द्रव्य पाप और भाव पाप भी कहते हैं। जैसे भावाश्रव द्रव्य आश्रव होते हैं ना, ऐसे भाव पाप और पुण्य पाप, भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य। अब पुण्य के उदय में भी ऐसे ही समझना कि पुण्य के उदय में दया दान भक्ति आदि के सब स्थूल पुण्य, स्थूल पुण्य, उसके बाद ये स्वाध्याय उससे ज्यादा बड़ा पुण्य, और उसके बाद तत्व चिंतन सामायिक और बड़ा पुण्य है, भेद विज्ञान अंतर का बहुत बड़ा पुण्य है, और शुद्धात्म स्वरूप का जो चिंतन है वह महापुण्य है। इसके बाद पुण्य की काम नहीं है, उसके बाद पुण्य का काम नहीं है, फिर तो धर्म है। शुद्धात्म चिंतन करते हुए जब चिंतन छूट जाता है, निर्विकल्प अनुभूति आ जाती है, उसका नाम धर्म है। अब सीधी नहीं आ सकती कभी कोई जीव, पाप से सीधा धर्म में नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखना, कोई भी जीव पाप से सीधा धर्म में नहीं पहुंच सकता। और पाप छोड़ा और पुण्य करते करते वहीं अटक जाए तो धर्म में नहीं पहुंच सकता, वो तो सीधी बात है। एक गाड़ी आपकी है, वो आपकी महंगा अमाइन चलती है, अब वो ग्वालियर कई दिन में पहुंचेगी, अरे उसका परमिट ही वहीं तक है, उस गाड़ी का परमट ही वहां तक है, अब वो आगे कभी जाएगी नहीं, महंगा अमान महंगा अमान महंगा अमान महंगा अमान, रोज जाएगी तीन चक्कर करेगी, लेकिन बस उतने में। लेकिन ग्वालियर की परमट वाले की गाड़ी महंगा जाएगी और दस पंद्रह मिनट रुकी और दिल्ली की गाड़ी ग्वालियर जाएगी, लेकिन ग्वालियर एक कोई 10-15 मिनट 20 मिनट घंटा रुकी और फिर दिल्ली गई। तो ऐसे ही धर्म का लक्ष्य जीवन में हुआ तो पुण्य में अटकेगा नहीं, रुका 10-15 मिनट रुका और चले आ गए, और अगर धर्म का लक्ष्य नहीं है तो बस आए अपनी पूजा करी स्वाध्याय किया माला फेरी अन्न दिया बस अपने चलो चलो भैया भोजन कर ले भोजन कर चलो आयु उपवास कर, और बस इतना करते करते दिन भर पूरे हो गए, जिंदगी पूरी हो गई, इससे आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं आई। लेकिन धर्म का लक्ष्य वाला जीव भी ये सब काम करेगा, लेकिन अंतर में भेद ज्ञान रहेगा, और वह जीव इस कक्षा को पार करके, कक्षा का नए कक्षा कही ना, ऐसे ये कक्षा कक्षा क्लास वाली कक्षा नहीं, क्रम को इस क्रम को पार करके वह शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाएगा। इसलिए ये बीच की दशा है, ये पुण्य की दशा। अब जैसे पाप में स्थूल और सूक्ष्म चलते चले जाते हैं, पाप और महापाप, ऐसे ही पुण्य में
पुण्य और महापुण्य चल रहा है क्रम क्रम से मंद मंदतर और मंदतम है। तत्व चिंतन में महापुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है, सामायिक में बहुत पुण्य होता है। लेकिन सामायिक तो हो, खाली ऐसे बैठ जाने का नाम सामायिक नहीं है, छल नहीं है इसमें सामायिक में। पांचवें अधिकार में पढ़ लेना कि भाई पूजा पाठ करने में आरंभ होता है, यहां आरंभ नहीं होता, सामायिक आदि कार्य करो। तो उन्हें कहा सामायिक शरीर की क्रिया का नाम थोड़ी से बैठ गए। अरे भाई सरागी जीवों का उपयोग बाह्य अवलंबन के बिना नहीं लगता, इसलिए बाह्य अवलंबन से उनका उपयोग लगेगा, उतना अवलंबन होगा। सामायिक कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मालूम नहीं कर पाओगे तुम कर सको। आत्मध्यान करना अपन को, आत्मध्यान ऐसी बातों से थोड़ी होगा। आत्मध्यान तो भाई ध्यान की प्रधानता मुनिराजों को होती है, ज्ञानाभ्यास की प्रधानता ग्रस्तों को होती है। तो अपनी भूमिका के अनुसार अगर परिणामों का योग्य परिणामों का निषेध करने जाएगा तो तेरे परिणाम अयोग्य हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ध्यान भूमिका में, जिस भूमिका में जो प्रकार का प्रशस्त परिणाम है वह प्रशस्त परिणाम भी होगा, और अपने आप होगा ऐसा भी नहीं, प्रयत्न पूर्वक भी करना पड़ेगा। कभी मन नहीं लग रहा, अरे तुम बैठो तो थोड़ी देर में मन लगने लगेगा। जैसे भोजन आप मन इच्छा नहीं है, अरे नहीं बैठ ले लो और खाए भी बैठ गए तो खा गया। ऐसे ही यहां कार्य को समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है सिद्ध समान न जाने आपा, ताको तो ही लगते हैं पापा। महापाप है, अपने को ही नहीं जानते, ये महापाप है। अपने को पहचानो, अपने को पहचानो भाई है? इस मोह के अभाव होने पर रागादि कषायों की मंदता वास्तव में मंदता होती है, राग द्वेष की। और मोह के अभाव के बिना भी मंदता होती तो है, लेकिन अभी मंदता फिर तीव्रता हो जाती है। और अगर मंदता होने पर भी बीज नहीं बोए खेत में तो घास फूस होगी। ऐसे ही अगर मंदता के परिणामों में यह तत्व अभ्यास नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, तो उत्कृष्ट पुण्य होगा, स्वर्ग आदि में गया और फिर वहां विषय की सामग्री मिली, फिर रम गए तो फिर वहां के वहां चले गए। साथ ऐसा यह परिवर्तन पूरे करे। बहुत सुंदर अवसर मिला है अपन को, महाभाग्य थे हैं। अरे भाग्य तो ठीक है, अब इसको अपने परिणाम और पुरुषार्थ से सार्थक करना चाहिए, सफल कर लेना चाहिए। ओम नमः।